हे भगवान, क्या कर रहे हैं सब? अभी तक पता नहीं क्या कर रहे हैं सब। संपदा, संपदा, संपदा कहाँ हो? सारा का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्या कर रही हो? और वो मिठाई का ऑर्डर दिया था, कब आ रही है मिठाई? संपदा, अच्छा जा जाके पापा के साथ सजावट में हेल्प कर, मैं यहाँ पे बाकी काम निपटा लेती हूँ। माँ, कितनी बार बोला है आपको, मेरे को सैम्प बुलाया करो, मेरा नाम संपदा नहीं है। लो, बाप ने संपदा नाम रखा था कि घर में खुशहाली आएगी, ये सैम्प बन गई हैं। पता नहीं सांप है कि नागिन है कि जने क्या है। लो, अब कौन आ गया, जा जाके देख। अच्छा रुक जा, तू ये चाय देखने देखती हूँ। अरे बेटा, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। अरे मिठाई भी आए हो, वाह। अब मेरा हाथ बटा दोगे तो मजा आ जाएगा। ये लड़ियां लगा दो यहाँ पर, अच्छे से लगाना। हैप्पी दिवाली। सुन, कुछ देर में चाय ले जाना, बहुत ही शरीफ लड़का है। मेरे एक बार कहने पे मेरे काम में हाथ बटाने लगा, काश वो मेरा बेटा होता। संपदा, तुम ना बिल्कुल काजू कतली के जैसी हो, एकदम मीठी सी और गुस्से में तेज तर्रार तीखी सी, इसके चारों कोनों की तरह। संपदा, अंदर चाय दे आओ। वो लड़का तुम्हारे पापा के पास बैठा है, उसे चाय दे दो। और अपने पापा को बोलो जरा हिलने वहां से, सुबह से फोन पकड़ के बैठे हैं, ये नहीं कुछ हाथ बटा दे। पापा, वो लड़का कहाँ है? हाँ, वो हॉल में है, मैंने उसे बता दिया है क्या करना है। अच्छा ठीक है, आप ये चाय पी लो, टेबल पे रख दो। एक छुट्टी होती है वो भी टिक्के बैठने नहीं देते। जब देखो दिवाली है सफाई करनी, दशहरा है सफाई करनी, सावन है सफाई करनी, सफाई नहीं त्योहार हो गया त्योहार। मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई,
तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना। तुम अंदर कैसे आए? ऑर्डर लेकर आया था। लेकिन मैंने तो ऑर्डर किया ही नहीं। हाँ पता है। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? घर को सजा रहा हूँ। ये मेरा घर है। तो क्या हुआ, तुम भी तो मेरी हो। चौक गए? आपको भी यही लगा ना कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ और इस घर में घुस गया हूँ और अब होगी डकैती। अरे भाई, असल में मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ। था तो हुआ कुछ यूँ कि पिछले साल हमारी दूसरी सालगिरह पर मैडम ने मुझे मंदिर के पीछे बुलाया, अरे वहीं पर जहाँ हम पहली बार मिले थे। पूरे दिन भूखे प्यासी मैडम मेरा इंतज़ार करती रही, पर मैं वहाँ नहीं पहुँचा। बहुत कॉल किए पर मैं कॉल का भी जवाब नहीं दे पाया। अरे अरे अरे, आप फिर से मुझे गलत समझने लगे हैं ना, इन्हीं की तरह। तो आज इनकी और आपकी दोनों की गलतफहमी को मैं दूर करता हूँ, और कैसे दूर करूँगा देखते हैं। मैं तुम्हारी हूँ, किस हक से कह रहे हो तुम ये मुझे? जब मुझे तुमने भरे बाजार में अकेला छोड़ा था तब कहाँ थे तुम? जब मैं बार बार तुमको कॉल कर रही थी तब तुमको मेरी याद नहीं आई? जब मैं अपने घर वालों से झूठ बोलकर तुमसे मिलने आती थी तब नहीं पता था तुम्हें कि मैं कौन हूँ? और आज एक साल बाद मैं तुम्हारी हो गई। एक साल में तुमने इतनी भी कोशिश नहीं करी मुझसे एक बार मिलने की, और आज तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी हूँ? सच में? तुम हमेशा से मेरी थी। पिछले एक साल से तुम्हें मनाने की, तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुमने मुझे हर जगह ब्लॉक किया हुआ है। रास्ते में रोककर मैं तुम्हारे माँ बाप का नाम खराब नहीं करना चाहता था। मुझे पता है कि अपने जीवन साथी की और माँ बाप की क्या अहमियत होती है, पर तुमने मुझसे बात करने की या मुझसे मिलने की एक बार भी कोशिश की? लिसन, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और हाँ, तुमको पता है एक लड़की किसी से मिलने के लिए कितनी मुश्किलों से गुजर कर आती है? लेकिन खैर, तुम्हें बताने का कोई फायदा भी नहीं है, छोड़ो। तुम्हें सुनना पड़ेगा आज, चाहे जो मर्जी कर लो, बात तो आज होके रहेगी। एक साल से क्या तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की? मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ, जिंदा हूँ या मर गया हूँ? तुमने भी तो एक बार कोशिश नहीं करी ना संपदा। उस दिन हमारी मिठाई मॉल में आग लग गई थी। पूरी दुनिया दिवाली मना रही थी और हमारा दिवाला निकल गया। हादसे की वजह से पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इधर पापा को संभालूं या अपनी दुकान को संभालूं, इस चक्कर में खुद को ही संभालना भूल गया। दिन रात मेहनत करके किसी तरीके से मिठाई मॉल को दोबारा से शुरू किया, ताकि इस बिखरते हुए रिश्ते को फिर से एक सहारा दे सकूं। आज तुम्हारी पसंदीदा काजू कतली के साथ एक आखिरी कोशिश करने आया हूँ, शायद फिर से हमारे रिश्ते में एक मिठास भर सकूं। यही सोचकर आया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं आज अपनी बात कह के जाऊँगा। संपदा, अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि उस दिन बात ना करके मैंने कोई गलती की है, तो तुम मुझे जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है। अरे संपदा, तुमने इन्हें बातों में लगा रखा है भाई। चाय ठंडी हो गई, जाओ चाय गर्म करके लेकर आओ। नहीं अंकल, मुझे थोड़ा काम है, मुझे निकलना है। नहीं बेटा, चाय पी के जाओ। नहीं अंकल, थोड़ा काम है तो मुझे निकलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू बेटा, आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, फिर आइएगा। जी बाय संपदा, टेक केयर। थैंक यू अंकल। चलो भाई, पूजा का टाइम हो रहा है। हाँ भाई, मैं रेडियो बस आया। और तुम कहाँ चली? धन को लेने।
और आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? धन और संपदा दोनों एक साथ ही जचते हैं, एक साथ ही अच्छे लगते हैं। अच्छा सुनो, हम आ रहे हैं तुम्हें लेने। मुझे पता ही था। अच्छा तुम्हें पता था कि हम तुम्हें लेने आएंगे? हाँ, काजू कतली जो लेके आया था तुम्हारे लिए। संपदा, तुम ना बिल्कुल काजू कतली के जैसी, एकदम मीठी सी और गुस्से में तेज तर्रार तीखी सी, इसके चारों कोनों की तरह। अच्छा जी, तो जब भी मुझे मनाना हो ना तो काजू कतली लेकर ही आना। ठीक है।